अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आप सबके सामने क्रिस्पी चिकन फ्राई लेकर आई हूँ। ये बहुत आसानी से घर में बन जाता है, क्योंकि हम घर में चिकन फ्राई तो कर लेते हैं लेकिन वो क्रिस्पी और जूसी नहीं बन पाता। लेकिन जो मेथड मैं लेकर आई हूँ, आप इस तरह से इसको बनाएंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह ये क्रिस्पी और जूसी बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये हाफ केजी चिकन लिया है और ये मैंने मसाले लिए हैं। तो ये मैंने लिया है गरम मसाला 1 टेबल स्पून, ये पिसा हुआ ज़ीरा है ये भी 1 टेबल स्पून, लाल मिर्ची पाउडर है, ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ली है ये भी 1 टेबल स्पून है, ये चाट मसाला है ये भी 1 टेबल स्पून, ये धनिया पाउडर है ये मैंने 1 टेबल स्पून, ये भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, ये चिली फ्लेक्स है ये 1/2 टेबल स्पून, ये सॉल्ट है तो सॉल्ट भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए, ये काली मिर्ची है कुटी हुई ये भी 1 टेबल स्पून है, ये मैंने थोड़ी कस्तूरी मेथी ली हुई है और मैंने ये चिकन मसाला लिया हुआ है। तो ये होम मेड है तो मैं आपको इसकी रेसिपी ज़रूर दूंगी। और मैंने ये लिया है बेसन तो ये मैंने 3 टेबल स्पून लिया है, और मैंने ये रवा लिया है तो ये 4 टेबल स्पून लिया है, ये कॉर्नफ्लोर है और मैंने इसको 3 टेबल स्पून लिया है, ये दही है 1 कटोरी, और मैंने ये लेमन लिया है तो ये मैंने 1.5 लिया है, और मैं अब इसका जूस निकालूंगी। और मैंने ये फूड कलर लिया है तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ये डालें या ना डालें। तो अब हम सारे मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने ये सारे मसाले ले लिए हैं तो मैं ये डाल रही हूँ। अब मैंने ये फूड कलर लिया है और मैं ये डाल रही हूँ। अब इसमें डाल रही हूँ मैं दही और हम अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो मैं अब हाथ से मिलाऊंगी क्योंकि मेरे हाथ अच्छे फ्रेश और साफ़ हैं। तो मैंने इसे बड़े बाउल में कर लिया है क्योंकि ये छोटा वो बाउल छोटा पड़ रहा था, और अब मैं इसमें ये सारे मसाले और भी डालूंगी और लेमन डालूंगी, और अब हम इसे 2 या 3 आवर्स मैरिनेट करने रख देंगे। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी कर सकते हैं। अब मैं अच्छे से इसको मिलाऊंगी और इसे मैरिनेट करने रख दूंगी। जो हमने ये सूजी ली है इससे ये बहुत अच्छा क्रिस्पी बनेगा। आप चाहें तो चावल का आटा भी ले सकते हैं। देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब मैं इसे 2 या 3 आवर्स मैरिनेट करने रख दूंगी। तो ये देखिए ये 3 आवर्स हो गए हैं और ये अच्छे से मैरिनेट हो गया है, तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये मैंने गैस ऑन कर दिया है और अब मैंने कढ़ाई भी रख दी है। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। तो ये देखिए मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और अब ये गर्म हो जाए तब तक हम वेट करते हैं। ऑयल अब गर्म हो गया है और मैं अब इसमें चिकन के पीसेस डाल रही हूँ। तो मैंने इसमें चिकन के पीसेस डाल दिए हैं और अब मैं इसको 2-3 मिनट तक ऐसे ही पकाऊंगी और फिर इसको टर्न करूंगी। अगर हम इसके बीच में से इसको टर्न कर देंगे तो इसकी कॉर्डिंग निकल जाएगी। तो अब 1-2 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसे टर्न कर रही हूँ। तो आप देखिए कितना अच्छे से पीछे से फ्राई हो गया है। तो ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अब मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ। तो आप ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हुए, ये बहुत ही क्रिस्पी और जूसी बने हैं। तो मैंने ये चिकन पूरा फ्राई कर लिया है और अब मैं आपको बताती हूँ ये कितना क्रिस्पी और जूसी बना है। तो आप इसे देखिए ये कितना क्रिस्पी है और ये कितना जूसी भी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।